चंदर कितना इंटेलिजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग देके उसने तो हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता वो यहाँ आया कैसे। मुझे उम्मीद है बेटा तुम्हारी ट्रेनिंग से ये सारे लोग बाहर जाकर एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करेंगे। बेटा इतने साल हो गए तुम्हें यहाँ, पर तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें ऐसी सजा मिली? चल थोड़ी सीरियस सी बात चल रही थी इंडिया के हालात को लेकर। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा देश दुनिया में एक मिसाल कायम करे। वेरी ट्रू, एक्चुअली इंडिया की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर होगी, होगी और जरूर होगी, इसकी भी पोजीशन चेंज होगी, बस डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। और तुम लोग देखना, एक दिन मैं ऐसा मॉडल पेश करूंगा ना कि इंडिया के हर हाथ में काम और हर चेहरे पे मुस्कान होगी। वेरी इंप्रेसिव चंदर, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट, बट इतना बड़ा काम तुम करोगे कैसे? बड़े काम करने के लिए पुरानी परंपराओं को तोड़ना पड़ता है, और लीक से हटकर वही काम करते हैं जिसमें हिम्मत होती है। वो कहते हैं ना, लीक से हटकर चले तीन, शेर, शायर और सपूत। सही बात है। और वो हिम्मत है तुम्हें? डार्लिंग, हिम्मत तो इतनी है कि मैं एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दूं। और उस रियासत की रानी होगी तुम। कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, गरीबों के उद्धार के नाम पे जमकर लूट खसोट हो रही है। होता होगा, कलेक्टेरिएट में जून महीने में 2 दिवसीय धरना होगा, जहाँ पे आवाज इसकी बुलंद की जाएगी।
ये बातें सीपीआई के नेता सुहासिनी अली ने प्रणाम प्रेस वार्ता में कही है। अच्छा, चेन्नई नगर के दमई पट्टित स्थित एक सभागार में कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के साथ ही किसानों और गरीबों को चुप। आइए आइए रामचंद्र जी, आइए आइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम जानते हैं आपकी पोती को हमारा बच्चा उठा के ले आया। तो उठा के ले आया तो क्या हुआ, जवानी के दिन है, मौज मस्ती करेंगे ही। दो चार दिन के बाद घर वापस आएगी। जाइए जाइए, आप जाइए, वन पीस आएगी, जाइए। हाँ बोलो। जी सर। मेरी पोती अभी बहुत छोटी है। अरे रामचंद्र जी, आप कमाल कर रहे हैं। अरे मसला तो कली को जाता है ना, फूल को तो नहीं। फिर इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं आप। जाइए, दो चार दिन के बाद अपने आप बच्चे आ जाएगी घर पे, समझे आप। सिंगल पीस आएगी, ये मेरा वादा रहा, समझे। जाइए। उसका भाई चंद्र आने वाला है, उसको मैं क्या जवाब दूंगा। अरे बाप रे बाप, बात समझ में नहीं आई। अरे आपका पोता तो कलेक्टर बनने वाला है ना। अरे वाह 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 वाह, ये कलेक्टर बनेगा, यहाँ आएगा, मुझे सीधा पकड़ के जेल में डालेगा। अरे सुना तुम लोगों ने, इसका पोता कलेक्टर बनने वाला है, जब आएगा तो पकड़ के सीधा जेल में डालेगा। मैं जेल में हूँ, हाथ में हथकड़ियां हैं, यही करेगा ना भैया। अरे कुछ भी नहीं करेगा, क्या करेगा वो है। कुर्सी ला रहे इधर। जी सर, लाया। बहन का टका क्या करेगा, कलेक्टर बनेगा क्या मेरी है? ज्यादा से ज्यादा मेरी खैनी रगड़ेगा। सुनिए मिश्रा जी, ये जो है ना आयस है, आयस शर्मा जी। शर्मा जी इतनी करीब आइए। जी सर। ये जरा खैनी रगड़िए। जी। अच्छी तरह से रगड़िए, धीरे धीरे धीरे। देखा मिश्रा जी, इस कानून है ये, हम जैसे अनपढ़ आदमी मंत्री बन जाते हैं और ये पढ़े लिखे आईएएस सेक्रेटरी, हम जैसे लोग कानून बनाते हैं और ये पढ़े लिखे लोग अनुपालन करते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसका अनुपालन कीजिए, वरना क्या होगा, एसपी को बुलाएंगे, एसपी दो डंडे आपके पे मारेगा, तो आप खुद कबूल करेंगे कि भाई हमारी पोती का अपहरण हमने किया है। कहा देख रहे हैं, जाइए ना। हेलो हेलो बेटा, बेटा चंदन, बेटा जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी बहन चुटकी लापता है। कैसे? तुम बस घर आ जाओ बेटा जल्दी। दुग्धा यादव के आदमी मेरी बच्ची को उठा के ले गए। क्या मंत्री है वो, उसके पास इतने गुंडे कि मैं अपनी बच्ची को छुड़ा नहीं पाया। दादाजी, आपने इन गांव वालों को क्यों नहीं बताया? क्या करता उसके पास जाकर, गुंडे और प्रशासन दोनों उसके पास है। वो आज मंत्री है, गृह मंत्री है। हम चाहकर के भी कुछ नहीं कर सकते चंदर बेटा। वो चाहता तो हम लोगों को कानून के जाल में फंसा सकता था। हाँ चंदर, उसके आदेश के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। बेहतर यही है चंदर बेटा कि छुटकी को भूल जा, आ गई तो अपनी किस्मत, नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या। अरे चाचा जी, आप इस गांव के मुखिया हो और इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अरे हम सब ने इसलिए आपको मुखिया नहीं बनाया कि कोई भी बाहर से आए हमारी बहन बेटियों को लेके चला जाए यूं ही। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो। और दादाजी, अरे होगा वो इतना बड़ा मंत्री, लेकिन आप उसके पास गए क्यों नहीं? मैं गया था, वहां भी गया था। चंदर, इस बात को यही खत्म कर, हम लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। We'll be right back.
वाह 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ऐसे ही एंट्री करते थे, अपनी बहना को बचाने के लिए ऐसी स्पीड में आते थे। तुमसे भी यही उम्मीद थी। मेरी बहन कहाँ है दुग्धाया दो? अरे तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कलेक्टर बन के हमको गिरफ्तार करने आया है। अरे ओए देखत का रहे हो, पकड़ो इसको। दुग्धाया दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तेरी सारी नेतागिरी तेरे अंदर न डालती तो मेरा नाम चल जाए। कितना बोलता है रे तू, कितना बोलता है। अरे सेक्रेटरी, अरे पुलिस को फोन कर रहे। जी सर, फोन याद दिया हूँ, बस पुलिस आती होगी। अमिताभ बच्चन भी ऐसे चिल्लाता था, लेकिन उस वक्त भी विलन ही जीतता था और आज भी विलन ही जीतेगा, समझा? अरे पांडे पकड़ो उसको। पढ़ लिख कर आदमी तमीज सीख जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, समझा? होने वाले कलेक्टर, अरे हम स्टेट के गृह मंत्री हैं, जरा तमीज से बात करना सीखो। अरे पांडे इतनी दफा ठोकना कि जिंदगी भर जेल से बाहर ना आ पाए, पकड़ इसको। सुधरेगा ना साहब, लौंडे ने सिर्फ अभी कॉलेज देखा है, जेल और लॉकअप देखा कहाँ है? ये मत भूलो दुग्धाया दो। भूल जाऊंगा, हम भूल जाऊंगा कि तू जेल में है। पांडे मुका दिख रहा है, ले जाओ सारे ससुर के नाती को और इतना डंडा पेलना कि सारे को पता ही नहीं चले। यस सर। ए चले, ए ले चले सर, ले चल। मार ससुरा को, मार, इतना मारो ना इसका सारा हीरोगिरी जो है ना वो कल जाए। राजन बाबा का फरियाद लेकर गया था सरपंच और मुखिया के पास ना। अबे तू को ये भी पता है कि छुटकी को मंत्री जी के बंगले पर कौन पहुंचाया था? अपने सरपंच और मुखिया। इंस्पेक्टर साहब, यह है मेरा ताम्रपत्र जो मुझे भारत सरकार ने दिया था। ये स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट है मेरा। चंद्र मेरा पोता है। अच्छा तो आप फ्रीडम फाइटर हैं? सुन रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर है। हाँ, कौनो सिपाही का बंदूक लेकर भाग गए होंगे तो फ्रीडम फाइटर तो कहलाएंगे ही ना। अच्छा तो आपने क्या क्या किया था फ्रीडम के समय में? कई बार जेल गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। भाग लिए थे? अरे भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फाइटर, वो भी आप फ्रीडम फाइटर हैं। अच्छा ये बताइए, तो महात्मा गांधी के साथ आप भी थे? हाँ, किसी सभा में गए होंगे महात्मा गांधी के साथ तो हुए ना। और आपका बेटा, आपका बेटा क्या करता था? मैं कप्तान था। अच्छा, मतलब वो भी मारामारी ही करता था, फिर क्या हुआ उसका? देश के लिए शहीद हुआ था मेरा बेटा। होना ही था। होना ही था मतलब? अरे वही, अब मारा पिट्टी करेगा तो मारा तो जाएगा ही ना। जुबान संभाल के बात कर, तमीज नहीं बड़ों से बात करने की। अबे ओ बुड्ढे, ये ताव किसे दिखा रहा है? ये थाना है, यहाँ हमारी चलेगी, हम जो चाहेंगे वही होगा, समझा? बुढ़ोती आ गई मगर जोश वही है। ए पकड़ के बाहर कर इसको। ए चल चल। ए ए ए, ए, ए क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी हरकतों से बाहर आओ इंस्पेक्टर, वरना चुप। Ah.
यही है कीमत देशभक्तों की, यही है कीमत, यही है देशभक्ति का इनाम, यही है देशभक्ति। जो चंडाल शासक बन बैठे, जो चंडाल शासक, त्राही है अवाम, त्राही त्राही। राजाराम जी सर। चल टाइम हो गया। अबे गोली मार दी मैंने उसको। कायर था कायर तेरा बाप, लोगों ने मर्द समझकर इस गांव का मुखिया बनाया था, लेकिन तू अगर एक बाप की औलाद है तो मुझसे आके भिड़, तब पता चलेगा कि असली मर्द कौन है। अबे हाथ किसी को और कुछ कहना है कोई? आओ मेरे सामने साले कायरों, दूसरों के लिए जीना सीखो कुत्तो, नहीं तो वो दुखदा यादव तुम सबको चुन चुन के मारेगा। आज मेरी बहन को उठाया है, कल तुम सबकी बहन को उठाएगा, पूरे गांव की औरतों के साथ बलात्कार करेगा और साले तुम लोग देखते रह जाओगे। मैंने तो हिम्मत पैदा कर ली, तुम लोग भी मर्द बनो। कायरों की तरह चुपचाप इस जुर्म को सहन करने की क्षमता तुम में है तो करो, यही तुम्हारी नियति है। मैं
मैं मिटाऊंगा तुक्का यादव को। सुन रहे हो ना तुम लोग? तुम आईएएस में टॉप किए हो, तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य अपना दरवाजा खोले खड़ा है। बदले का यह अंतहीन सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इस रास्ते से वापस लौट जाओ चंदर। अब कहां वापस आना गुरुजी? मैंने चार चार पुलिस वालों का कत्ल किया है, गांव का मुखिया, सरपंच और उसके बेटे का भी खून मैंने ही किया है, और वैसे भी कैरेक्टर तो अब खराब ही हो चुका है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, और सरेंडर करके क्या फायदा गुरुजी? और आप कहां कहां तक भागेंगे? फिर भी एक बार सोच लो। सोच लिया है गुरुजी। अब मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। अगर मेरी किस्मत में अंधकार है तो अंधकार ही सही। फांसी का झूला झूल गया, फांसी का झूला झूल गया मस्ताना सिंह, फांसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह। दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह। फांसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह। राजगुरु से शिक्षा लो दुनिया के नव युवकों, राजगुरु से शिक्षा लो दुनिया के नव युवकों। सुखदेव से पूछो कहा मस्ताना भगत सिंह, सुखदेव से पूछो कहा मस्ताना भगत सिंह। रोशन कहा शफा कहा लहरी कहा बिस्मिल, रोशन कहा शफा कहा लहरी कहा बिस्मिल। आजाद से सच्चा था, आजाद से सच्चा था दोस्ताना भगत सिंह, आजाद से सच्चा था दोस्ताना भगत सिंह, आजाद से सच्चा था दोस्ताना भगत सिंह। दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह। भारत के पत्ते पत्ते पर सोने से लिखेगा, भारत के पत्ते पत्ते पर सोने से लिखेगा। राजगुरु सुखदेव और मस्ताना भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और मस्ताना भगत सिंह। ऐ हिंदियों सुन लो जरा हिम्मत करो दिल में, ऐ हिंदियों सुन लो जरा हिम्मत करो दिल में। बनना पड़े Oh
अब दीवाना भगत सिंह बनना पड़ेगा सबको, अब दीवाना भगत सिंह दुनिया को सबक दे गया। परमो धर्म। गांधी बाबा ने अधूरा लाइन देकर पूरे समाज को बना दिया है। हम अपनी रक्षा के लिए शस्त्र तक नहीं उठा सकते। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे बढ़ा तो दे, लेकिन जब पेट की अंतरियां भूख से कुलबुलाती हैं तो आंखों से ज्वाला निकलती है और तब सिर्फ एक ही बात याद आती है, घर में हिंसा तथा बचा। अगर अहिंसा श्रेष्ठ है तो धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। ये निरीह और निरक्षर लोग इस आंदोलन के नाम पर मारे जा रहे, क्या ये जायज है? मैं पूछता हूं कि इस आंदोलन के सिपाहियों को आखिर क्या मिलेगा? ये जानवरों की तरह जंगल में जिंदगी बिताना या फिर खाना बदोशों की तरह दर बदर भटकना और फिर एक दिन पुलिस की गोली का निशाना बन जाना? अरे इन बेचारों की लाशों को तो अंतिम क्रिया तक नसीब नहीं होती। बहुत खूब मेरे दोस्त, बहुत खूब। क्या सोचकर तुम्हारे दादाजी ने इस देश को आजाद कराया था कि एक दिन उनके अपने ही भाई बंधु थाने में बिठाकर उन्हें अपमानित करें? जिस दुग्धा यादव को लोगों ने राज्य की बागडोर सौंपी, क्या उन्हें अपनी बहू बेटियों की इज्जत भी सौंपनी पड़ेगी? नहीं मेरे दोस्त, बात बदले की भावना की नहीं है और नहीं इज्जत और अपमान की। बात यह है कि अत्याचार इस देश में लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, हर दिन, हर पल, हर क्षण। जी तो कुत्ते भी लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जो दूसरों के दुखों को, दूसरे के तकलीफ को समझते हैं वो सही मायने में वही सच्चे इंसान होते हैं। जो दूसरों की आंखों के आंसुओं को अपनी आंखों में रखने का जज्बा रखते हैं, उनको अपनी पलकों पे सजाने का जो जज्बा रखते हैं, वही सच्चे इंसान होते हैं। आज लाखों करोड़ों आंखें इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि फिर कोई महात्मा गांधी जी या फिर भगत सिंह आएंगे और हमारे सारे दुखों का निदान कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई गांधी नहीं आएगा, कोई भगत नहीं आएगा, हमें और तुम्हें ही भगत सिंह बनना होगा, गांधी बनना होगा। यही क्रांति हम अगर 1947 से पहले किए होते तो क्रांतिकारी कहलाते। तो क्या यह क्रांति इन सब के दुखों को दूर करेगी? गांधी बाबा भी तो कहा करते थे कि अगर शोषण करने वाला पापी है तो सहने वाला उससे भी बड़ा पापी है। और इसीलिए तो दादा ने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, उस पर लात मारकर जुट गए गरीबों और शोषितों की सेवा करने में। दादा? कौन दादा? दादा माणिक दादा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के जब वो हिंदुस्तान आए, उनके पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे, बड़े बड़े कॉरपोरेट से, लेकिन उन्होंने कहीं एक नजर तक नहीं डाला। जब उन्होंने हमारे देश के गरीब, पीड़ित,
शोषितों का हाल देखा तो उनका हृदय तहल उठा। फिर क्या था, दादा निकल पड़े पीड़ितों और शोषितों की सेवा में। सोने वालों को जगाने के लिए आया हूं मैं, तुम भी एक इंसान हो बताने के लिए आया हूं मैं। उद्देश्य हमारा अधिकार मिले, एक बार नहीं हर बार मिले। मजदूरों के पसीने की कीमत सूखने से पहले यार मिले। ना ही अत्याचार है करते, ना खून खराबा पेशा है। हंस के दो या लड़के लेंगे, यही हमारा संदेशा है। ये लड़ाई शान और शौकत बढ़ाने की नहीं है, ये लड़ाई अपनी हिम्मत दिखाने की भी नहीं है। ये लड़ाई इसलिए है कि नोचे नहीं कोई बोटियां, बचे अपनी आबरू और मिले हमें दो रोटियां। सदियों से ये जंगल हमारी मिल्कियत है, ये हमारा घर है। हम अपनी जमीन छीनने नहीं देंगे किसी को। हम तैयार हैं। तो फिर मेरे साथ बोलो, हमारी होगी धरती, हमारा होगा आवाम। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हाँ, झोंक दो इन मासूम लोगों को पुलिस की गोली के सामने इस लाल सलाम के नाम पर। अरे इन लोगों को तो ठीक से बंदूक पकड़ना भी नहीं आता। आओ आओ चंदर। दादा ये है चंदर। ये रामचंद्र का पोता है ना? जी। अरे गुंगा, नहीं क्यों मार रहा है इसको? नहीं अमरजीत भैया, कुछ नहीं अमरजीत भैया, कुछ नहीं, झूठ बोला गुंगा ये। अमरजीत क्या हुआ? झूठ बोला गुंगा ये। अमरजीत भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखा क्या ये कैमरा? गलती हो गई अमर भैया, अमर भैया नहीं करूंगा। क्या कर रहा है अमर भैया? इन्फॉर्म कर रहा था किसको? भैया पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था। हमारी बातें पुलिस को बता रहा था। बाबा ने क्या कहा है कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, है ना? तेरी एक बहन को उठा के ले गए ना वो, तो अपनी दूसरी बहन भी जाके छोड़ा उस साले के पास। नहीं करेगा ना? नहीं कर सकता तो उठा ले ये बंदूक। Yeah.
दांत निकल आया क्या? हैं? साला मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याओ? अरे मेरे फाइनेंस पे संगठन चलाता है तू और मेरे बच्चे के साथ तूने? देख मानिक, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, उस चंद्रबा को मेरे सामने हाजिर करो वरना हरेक के अंदर 100-100 गोलियां दाग दूंगा मैं। लेकिन नेताजी वो... लेकिन कुछ नहीं, मुझे चंद्रबा चाहिए, इसका मतलब चंद्रबा चाहिए। जब तक उसको मैं हलाल नहीं करूंगा ना, चैन की नींद नहीं सोऊंगा मैं। अरे छोड़िए ना नेताजी, वो नया है, अब मैं उसे... नया था इसका मतलब क्या होता है? नया था इसका मतलब क्या होता है? तेरे ग्रुप में हर कोई नया आएगा तो मेरे सर पे चढ़ के क्या वो? सुन मानिक, मैं 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। उसके अंदर अंदर अगर चंद्रबा को हाजिर नहीं किया ना तो सारा नक्सलाइट अंदर डालूंगा मैं। नेताजी मत भूलो, जब जब विद्वानों का अपमान हुआ है सत्ता की कुर्सी हिल गई है। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, याद रख, 24 घंटे के अंदर अंदर उस चंद्रबा को हाजिर नहीं किया ना तो याद रखना। भाई मेरा तो ये मानना है कि चंद्र को दुग्धा के हवाले कर देते हैं। नहीं दादा, हम दुग्धा की ईंट से ईंट बजा देंगे मगर चंदर को नहीं सौंपेंगे। बेटा मैं तुम्हारे जज्बातों की और प्यार की कदर करता हूं, लेकिन फैसले जोश से नहीं होश से लेने पड़ते हैं। अगर संगठन को चलाना है तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं तो बोलती हूँ इसको ले जाकर बिठा दो उस दुग्धा की गोद में। बेटा ये मजाक का वक्त नहीं है, ये निर्णय का समय है। दुग्धा चंदर को मांग रहा है। अब उसकी कोई बेटी तो है नहीं जिससे ब्याहेगा चंदर को? मांग रहा है हमरे चंदर को, मांगता है चंदर को, क्या करेगा इसका, क्या करेगा चंदर का? ये तो पता नहीं, लेकिन उसने कहा है कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर चंदर चाहिए। दादा अगर एक के जाने से पूरा संगठन बचता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं,
मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा हथियार है जो नक्सली को खत्म कर सकता है। भैया, अरे अगर एक चंदर मरा तो हजार चंदर तैयार हो जाएंगे। क्यों बे, क्या गलत किया? क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे के साथ? क्या गलत किया उसने? अरे तुम्हारी बहना को इसीलिए तो उठाया ना कि मसला तो कोई जाता है ना, तो क्या गलत किया? बोल क्या गलत किया? मार, जितना मारना है मार। बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। अरे तुझे ऐसे हलाल करूंगा ना कि दुनिया देखती रह जाएगी, समझा? ये 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 लीजिए सर। बोल बोल दुग्धा बोल, बाद में तुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें बोलने का मौका दूंगा तब तो बोलेगा ना। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? एक गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा है? ये ए, तेरी बहन को उठाया ना, अब तेरी मैया को उठा लाएंगे, समझा? मेरी हद पार हो गई, अब मैं दिखाता हूं मेरी हद। चंद्र बाबू ये हम क्या करें चंद्र बाबू? अरे अरे हमने तो आपसे मजाक किया था चंद्र बाबू। नहीं चंद्र बाबू ऐसा मत कीजिए, हम आपके पांव पड़ते हैं। अबे तेरे एक मजाक के चक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। कॉलेज देखा है, लॉकअप और जेल नहीं देखा? नहीं चंद्र बाबू नहीं। अबे मेरे दादाजी को छोड़ा था तूने? अबे आजादी की लड़ाई में बंदूक लेके भागे थे? तो सुन, जब तक इस देश में तेरे और दुग्धा यादव जैसे नेता और पुलिस वाले पैदा होते रहेंगे, तब तक मेरी ये बंदूक गरजती रहेगी। जाओ पत्थर हटाओ वहां से।
उठो बेटा। चंदर, एक बात याद रखो, संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता, संभावनाओं में पूर्ण विराम नहीं होता। तुम्हें इस देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिलाना है, इसके लिए तुम्हें चंद्रगुप्त बनना होगा, हर उस घर में दिया जलाना होगा जहां सदियों से अंधेरा है। हमें संविधान में वो प्रावधान लाना होगा जिसमें राष्ट्र के सभी संस्थानों पर सभी का बराबर अधिकार होगा। देश की वितरण प्रणाली को ठीक करना होगा। आओ हम सब कसम खाते हैं कि जब तक हम हर नागरिक को समानता का अधिकार नहीं दिलाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। उठ जागरे साथी देख जरा, उठ जागरे साथी देख जरा, सुरभि से सवेरा होता है। जब जाग चुकी है दुनिया तो, जब जाग चुकी है दुनिया तो क्यों उड़ के चादर सोता है। उठ जागरे साथी देख जरा, सुरभि से सवेरा होता है। जब जाग चुकी है दुनिया तो, जब जाग चुकी है दुनिया तो क्यों ओढ़ के चादर सोता है। उठ जागरे साथी देख जरा। नहीं अत्याचार हम करते, ना खून खराबा पेशा है, हंस के दो या लड़ के लेंगे, यही हमारा संदेशा है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अत्याचार गिरा देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अत्याचार गिरा देंगे। जिंदगी और मौत का फर्क मिटा देंगे, औकात पर अगर आ गए औकात बता देंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जागरे साथी देख जरा, सुरभि से सवेरा होता है। जब जाग चुकी है दुनिया तो, जब जाग चुकी है दुनिया तो क्यों ओढ़ के चादर सोता है। उठ जागरे साथी देख जरा। इसको उठा, ऊपर, इसको उठा, आगे देख। मम्मी, हम बोले थे ना हमें डर लगता है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। हाथ दे, हाथ दे। तुम इतनी कमजोर नहीं हो जो इस बंदूक का भार भी ना उठा सको। उठा इसको ठीक से, ले यहाँ पकड़, नहीं। इसको आगे कर, नहीं, नहीं, नहीं। वो है ना वो मटका है ना, इसको थोड़ा आगे रखते हैं, कंधे पे रख। निशाना तो बिल्कुल सही जगह पे लगा है चुटकी, लेकिन घायल कौन हुआ रे, तू या ये अमरजीत? और क्यों भी अमरजीत, तुझे तो जाना था ना कहीं, गया क्यों नहीं अभी तक? जा रहा हूं ना, ले पकड़ इसको, पकड़ इसको। चुटके, शाम में मिल मेरे को। याद रहे चुटकी, हमारे संगठन में प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है और अपने लक्ष्य से भटका देता है। जानती है ना तू कैसे हालातों में जीते हैं हम, दिन रात
मौत के साए में गुजरते हैं। अगर इस अमरजीत को कुछ हो गया ना कभी, नहीं, नहीं। तो पागल हो जाएगी तू। नहीं। और अगर तुझे कभी कुछ हो गया तो ये अमरजीत पागल हो जाएगा, जिससे कि हमारा मिशन कमजोर पड़ जाएगा। और याद रहे कि ये कभी होने ना पाए। तू इतने पैसे कहां से लाएगा कि हम हर हाथ को हथियार देंगे? ऐसे ख्वाब देखने से बेहतर है कि इस बात को यहीं खत्म करो। और वैसे भी सेंट्रल कमेटी हमारी इस बात को नहीं मानने वाली। भय बिन होए न प्रीत, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा था। और जब तक हम उनके दिलों में भय पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन रुपए आएंगे कहां से? कुछ तो सोच चंदर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो, मेरा मानना है कि अभी हमारे संगठन की वो हैसियत नहीं है। लेकिन वो हैसियत कब आएगी? 1967 से हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या मिला? और ये रोनी हमेशा रोते रहेंगे तो मंजिल फिर कब मिलेगी हमें? हमें हमारी मंजिल भी मिलेगी और हम सफल भी होंगे, और इसके लिए हमें किसी भी सेंट्रल कमेटी की जरूरत नहीं है। रही बात पैसों की, तो वो तो आ ही जाएंगे। कहां से आएंगे पैसे? पेड़ पे है जो तोड़ लेंगे हम। हाँ, ये जंगल हमें देंगे पैसा, ये रास्ते हमें पैसा देंगे, और यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन हमें हथियार देगी। क्या बोलते हो कॉमरेड, कैसे देंगे पैसे ये जंगल, ये रोड और ये ट्रेन? मेरे दोस्त, पैसे तो ऐसे बरसेंगे ना कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। और रही बात हथियारों की, तुम्हारी मंशा मैं समझ रहा हूं चंदर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा कि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आम आदमी को परेशानी हुई तो दर्द मुझे होगा। और दूसरी बात यह, फिर हम में और करप्ट सिस्टम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम हंस क्यों रहे हो चंदर? दादा की बात का जवाब दो। कसम है मुझे लाल सलाम की, अगर मेरी वजह से किसी भी आम आदमी को एक भी खरोच आई तो तुम सब कॉमरेड मिलकर मुझे गोली मार देना, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। लेकिन दादा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं मेरी वजह से कभी इस लाल झंडे के रंग को बदरंग नहीं होने दूंगा। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मेहनत से माना चूर है हम, मेहनत से माना चूर है हम, आराम से कोसों दूर है हम, आराम से कोसों दूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर है हम, मजदूर है हम, मजदूर है हम, मजदूर है हम, मजदूर है हम, राइफल।
दुनिया में कयामत कर देंगे। जिस रोज बगावत कर देंगे दुनिया में कयामत कर देंगे। जिस रोज बगावत कर देंगे दुनिया में कयामत कर देंगे। लाल सलाम। लाल सलाम। मुहिम पर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। भारत का इतिहास दुनिया का सबसे प्राचीन इतिहास है, सतयुग से लेकर अब तक। सतयुग में जब भी पुरुषों ने किसी मुहिम पर जाने की सोची है तो महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। अगर विष्णु और महादेव ने असुरों का वध करने के लिए शस्त्र उठाए थे तो दुर्गा और काली भी पीछे नहीं रहीं। और आज के युग में भी ऐसी मिसाल है, रानी लक्ष्मीबाई। तो आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई बनना है और सतयुग को लाना है, समझे? कलयुग को बदलना है, फिर से सतयुग को लाना है। दुनिया दुनिया ने हमारी मूवमेंट के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वो बेमिसाल है। ये इतिहास की किसी भी वीरांगना से कम नहीं है। नहीं तो अपने माथे का सिंदूर पोंछ देना कोई आसान काम नहीं है। शाबाश बेटा, अब तुम्हें इनका साथ देना है, इनका साथ देते हुए लड़ना है। लाल सलाम। लाल सलाम। नैना तुम आओ बैठो। अरे अरे नैना नैना, ये देखो मैंने एक प्लान बनाया है जिससे हमारे देश के हर हाथ में काम होगा और हर चेहरे। अरे अरे नैना, तुम सुनो मेरी बात सुनो नैना। देखो इधर ये हमारा प्लान जो है जिससे देश खुशहाल हो जाएगा। अरे नैना समझो बात को, ये जो हम कर रहे हैं ना, अगर यही सब करना होता तो बाहर की दुनिया में नहीं करता मैं। नैना ये जो एनर्जी तुम इस बात पर लगा रही हो ना, वही एनर्जी अगर तुम अपने लक्ष्य पर अपने मिशन पर लगाओगी तो हमारा मिशन दुगनी तेजी से बढ़ेगा। नहीं चंदन, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। नैना सुनो, नैना चंदन मेरी बात सुनो। नैना होश में आओ। सुनो नैना, देखो ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। तुम समझ रही हो ना? आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे टेंट तक छोड़ देता हूं। चलो मैंने आप सबको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश की है और आप, मेरा यह मानना है कि आप सब कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है, कोई शक नहीं। गुड। और अब हमारा अगला मिशन है कि आप सब अलग अलग टुकड़ियों में बट जाएं और यहीं इसी जंगल से हम व्यवस्था पर चोट करेंगे। आप सबके अलग अलग इलाकों में आने वाले पुलिस स्टेशंस, उनको हम नेस्तो नाबूद करेंगे और उनके हथियारों पर कब्जा करेंगे, कोई शक नहीं। कसम जो लेनी हो
तो रख दो अपने दिल पर हाथ, अपना दिल ही पवित्र गीता, अपना दिल ही कुराने पाक। ये दुनिया की जो अदालतें हैं हम उन पर जाने को तैयार नहीं, इंसाफ हमारा यहीं पर होगा, अब कोई सरकार नहीं। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हेलो, नक्सली एरिया में जानकी की ड्यूटी लगाई है, गुड जॉब। बचना है तो सरेंडर कर दे। तुझको क्या लगता है कि हमको मार देने से, हमको खत्म कर देने से ये पूरा नक्सल खत्म हो जाएगा? बहुत गलत सोच है तेरी पुलिसिया इन। तू पहले अपनी सोच, नक्सल के बाद में सोचना। लाल सलाम, मेरी डिक्शनरी में ना कोर्ट है, ना तारीख है और ना ही जिरा है, सीधा फैसला होता है। लाल सलाम, पुलिस ने नक्सलियों के हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया है और अब उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई और भी तेज और भी कठोर होगी। अगर वो लोग पुलिस और कानून को कमजोर समझ रहे हैं तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पुलिस और कानून अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। हेलो, यस, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बात हमेशा जान लो बेटी, माँ और मातृभूमि के लिए अगर जान भी देना पड़े ना तो उसे कभी मत हटो। बट पापा, कभी अगर रिश्ते और फर्ज के बीच में जंग हो जाए तो? अगर रिश्ते और फर्ज में जंग हो जाए तो फर्ज हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि रिश्ता किसी एक के प्रति होता है और फर्ज करोड़ों के लिए होता है। तो अगर ऐसी कोई नौबत आई बेटी जहाँ आपको इस जंग से गुजरना पड़ा तो याद रखना,
हर रिश्ते को फर्ज पर कुर्बान कर देना। बोलिए। हम पुलिस की इस क्रूर कार्रवाई का जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, जिसकी धमक से दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। लाल सलाम, लाल सलाम। के बाद नक्सलियों ने अपना जवाब एक कदम आगे बढ़ के दिया। इस नक्सली हमले में 16 जवान मारे गए हैं और साथ ही साथ नक्सलियों ने हैरतअंगेज कारनामा दिखाया है। पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर अर्जुन का अभी तक कोई पता नहीं चला है और ना ही उनकी लाश मिली है। मैं सीमा, कैमरामैन आलोक के साथ वन नेशन के लिए सोनभद्रा उत्तर प्रदेश से। सोचो सावन भादो या फिर माघ पूस की रातों को, जिनके पास है कोठी बंगले समझेंगे क्या इन बातों को। तुम ही समझो, तुम ही जानो अपने इन जज्बातों को। कैसे कैसे बरसों बरस कितनी तकलीफें उठाते हैं, वो महलों में रहते हैं, हम जंगल में रैन बिताते हैं, आवाज उठाने पर अपनी नक्सलवादी कहलाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे अरे ठोक इसको, ठोक। ठोकना होता तो वहां नहीं ठोक देते। चलो दो बंदूक मुझे, बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। क्या लगता है तुम्हें, हम एक आजाद देश के नागरिक हैं? ये सचमुच की आजादी है जिसके कानून अंग्रेज बना गए थे? तुम तो पुलिस वाले हो, ये तो जानते ही होगे, पुलिस एक्ट सन 1858 में अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो मजबूर हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर सके, और इसलिए बनाया था क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने सन 1858 में क्रांति के लिए विद्रोह कर दिया था। आज भी पुलिस जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार पीट सकती है, कोई उफ तक नहीं कर सकता, कोई आवाज तक नहीं उठा सकता। अगर गलती से भी किसी ने आवाज उठा दी तो उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती थी। उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है, उनके पास है महल अटारी भरी हुई तिजोरी है, दो मुट्ठी अनाज हम ले लें तुरंत कहेंगे चोरी है। दौलत का नशा है उनको, पैसों की खुमारी है, कोठी पर कोठी बनाते यही उनकी बीमारी है। सच्ची बात कहें जब उनको नक्सलवादी कहलाते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी निर्णायक परिस्थिति में स्वयं से कोई फैसला लेना पड़ जाए तो क्या तुम ले सकते हो? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक ऐसी मशीन हो जिसका रिमोट सीधे उन नेताओं के हाथों में है जो तुम्हें जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे कार्यक्षेत्र में एक भी अपराध हो जाए तो उसका ठीकरा सीधे तुम्हारे सर पे फोड़ दिया जाता है। ये आजादी की मशाल हम अपने हाथों में तब तक उठाए रहेंगे जब तक कि इसमें समानता की बयार नहीं बह जाती, जब तक इस देश से सड़ा हुआ कानून भाग नहीं जाता। यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, लोग दिन ब दिन जुड़ते जाएंगे, कारवां बनेगा और एक दिन पूरा देश इस आग में जल उठेगा और इन करप्ट नेताओं को इसी आग में जलाकर भस्म कर देगा।
कॉमरेड क्या करना है इसका? छोड़ दो इसे। देखिए मिस जानकी, बहुत आशा के साथ हमने आपको यहां बुलाया है। आप में वो दम है, सूझबूझ है, साहस है, काबिलियत है जो इन नक्सलियों का सफाया करने के लिए काफी है। लेकिन अब हम थोड़े से निराश हो रहे हैं। सर, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन के आधार पर चलता है और वो इन्फॉर्मेशन हमें आईबी ऑफिसर्स और स्टेट पुलिस के थ्रू मिलती है, लेकिन वो लोग आजकल हमें इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। हम तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं जानकी, लेकिन हमारा बहुत भरोसा है तुम पर कि इस राज्य को इन नक्सलियों से तुम मुक्त करवा सकती हो। सर, माय ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री एंड प्रोटेक्ट इट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट आज हम आपसे वादा करते हैं आगे चल के कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, जैसे कि किसी चीज का ऑर्डर चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर ताकत की जरूरत पड़े, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। लेकिन इन नक्सलियों का सफाया होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, मैं आशा करती हूँ कि अब आपको कभी निराशा नहीं होगी। थैंक यू। गोपाल, मुझे नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरिया में चप्पे चप्पे पे सैटेलाइट कैमरा चाहिए और मॉनिटरिंग तुम खुद करोगे। यस मैडम। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। यस मैडम, मिल जाएगा। और सुनो, मुझे अपने लिए कुछ नेटवर्क चाहिए, दे सकते हो? श्योर मैडम, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू मेक इट फास्ट। ओके मैडम। ये है गुरु, ये नक्सलियों का ब्रेन माना जाता है, और ये नैना नक्सलियों की महिलाओं की विंग की कमांडर, और ये गुंगा बोल नहीं सकता मगर इतना खतरनाक कि किसी का गला काटना इसके लिए खेल है, और ये शख्स है इनका लीडर। इनका नाम माणिक चटर्जी है। ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, लेकिन इनके नक्सल से जुड़े होने का कोई पुख्ता सबूत हमारे पास ना होने की वजह से हम चाहकर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। मिस्टर चटर्जी। जी कहिए। यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा अपराध? आप पर इल्जाम है कि आप नक्सलाइट्स के चीफ कमांडर हैं और आप उन्हें नक्सल एक्टिविटीज के लिए गाइड करते हैं। देवी जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, ना ही अपराधियों के साथ मेरा कोई रिश्ता है। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षा का प्रचार करता हूं पूरे प्रदेश में, और गरीब और कुचले हुए लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता हूं। ये मेरा धर्म है। अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। I'm so sorry sir, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। Please cooperate. I am sorry madam, but आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मानिक सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अर्जुन, are you mad? तुम एक नक्सलाइट लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हो? No madam, this is wrong. मानिक सर उग्रवादी नहीं हो सकते। ये हमारे शिक्षक रहे हैं। इनकी शिक्षा अगर गलत होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं अपनी आंखों के सामने गुरु को गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकता। गुरुदेव आप जाइए, मेरे होते हुए कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। पापा, क्या आप माणिक चटर्जी के बारे में जानते हैं? माणिक चटर्जी
प्रोफेसर मानिक चैटर्जी कहो। ग्रेट मैन। पापा, आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं प्रोफेसर चैटर्जी को कैसे जानता हूं? वो मेरा लास्ट ईयर कॉलेज का था जब प्रोफेसर चैटर्जी हमारे कॉलेज में आए। जितना उनके चेहरे पे तेज था उतनी ही उनकी आंखों में करुणा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो नक्सलाइट ग्रुप के चीफ हैं? किसने कहा तुमसे? किसने कहा कि प्रोफेसर चैटर्जी नक्सल चीफ हैं? वो गरीबों के चीफ हैं, वो पीड़ितों के चीफ हैं, वो शोषितों के चीफ हैं। प्रोफेसर चैटर्जी ने उनको अपनी आवाज उठाना सिखाया। प्रोफेसर चैटर्जी ने उनको अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। जिंदा तो वो पहले भी थे लेकिन प्रोफेसर चैटर्जी ने उनको जीना सिखाया। उनमें इतनी हिम्मत डाली कि वो वर्ग आज स्वाभिमान से अपने आप को देखती है और तुम कहती हो कि वो अपराधी है। अब चंदर आपसे कुछ कहेगा। आओ चंदर, खुश रहो। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबको बताना चाहता हूं कि हमें अब एक होना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि हम टुकड़ों में न लड़कर एक होकर लड़ें। अगर इस जंग को जीतना है तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे मतभेद भुलाने होंगे और हमने अगर लाल झंडे को एक बना दिया तो सरकार तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस जंग को जीतने से नहीं रोक सकती। पर हमारा लीडर कौन होगा? हमारा हर कॉमरेड खुद का लीडर है, क्योंकि हम अपने आप को एक सिपाही समझते हैं और सिपाही का काम होता है सिर्फ और सिर्फ लड़ना। लाल सलाम। उस मोड़ पे क्यों हम आ गए हैं जहां मौत ही मौत के रास्ते हैं। उस मोड़ पे क्यों हम आ गए हैं जहां मौत ही मौत के रास्ते हैं। रह गई जो अधूरी दास्तां कर दे पूरी, एक जरा सी भी दूरी ना रहे अब दरमिया।
शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। तुम क्या समझते हो चंदर, कि मैं तुमसे प्यार करती थी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नो, नेवर चंदर। क्या कहा था तुमने? डायरेक्शन चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्शन चेंज किया है, सबको नक्सलाइट बना दिया तुमने। तुमने कहा था हर हाथ में काम होगा, तुमने तो हर हाथ में बंदूक पकड़ा दी। वाह चंदर वाह, क्या काम किया है तुमने। यही था तुम्हारा विकास का मॉडल, सबको विद्रोही बना दिया तुमने। कैसा मॉडल बनाया तुमने चंदर, ये कैसा मॉडल बनाया? ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहते थे तुम, और ऐसे साम्राज्य की रानी तुम मुझे बनाना चाहते थे, मुझे 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 मुझे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली चंदर, कि ना मुझे ये पैरेलल गवर्नमेंट पसंद है, एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। हाँ जानकी, हाँ ये सब मैंने किया है। मैंने सैकड़ों लोगों के हाथों में बंदूक थमा दी, जिससे वो अपना हक ले सके। बंदूक हर समस्या का हल नहीं होती चंदर। जब ये होश में आ जाएगा ना, मुझे खबर कर देना, समझे तुम लोग। जिंदगी में आज पहली बार हमने देखा है कि प्यार पर फर्ज ने कुर्बानी दी है। 70 के दशक में जो हिंदी फिल्में बनती थी उसमें भी ऐसा नहीं दिखाया जाता था। ये जो नक्सलाइट लीडर है चंदर मिश्रा, आज पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। जानकी चौधरी ने 17 जवानों के साथ अपनी फर्ज की कुर्बानी दी है। जिस उम्मीद से सरकार ने जानकी चौधरी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, नक्सलियों का सफाया करने का जो अभियान चलाने की वो बागडोर जो दी थी, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से जानकी चौधरी पर आरोप और प्रत्यारोप के इल्जाम शुरू हो चुके हैं। ये सरकार अब क्या डिसीजन लेती है, ये उठ किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं सीमा, वन नेशन के लिए कैमरामैन आलोक के साथ सोनभद्रा।
बकवास, तूने हमें भ्रम में रखा। हम समझते रहे कि तू हमारा आदमी है, पर तू साले पुलिस वाला का आदमी निकला, और वो पुलिस वाली तेरी मौशुका निकली। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी तुझे। बस बस बस। नहीं दादा, नहीं दादा, छोड़ दो मुझे। इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, हमारे लाल झंडे के साथ खेला है। इसने हम सबको धोखा दिया है। इस कुत्ते की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। दादा इसको मौत दो। इसका फैसला जनता की अदालत करेगी। क्या ये सच है कि आप नक्सली कमांडर से प्यार करती हैं? हाँ ये बात सच है, प्यार करती थी। करती थी मतलब? मैं और चंदर कॉलेज में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन कॉलेज के बाद मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि आपने अपने प्रेम के कारण उसको भागने में सहायता दी है? नो सर, मैंने हमेशा अपने फर्ज को अपने निजी जज्बात से कहीं ऊपर रखा है। मैंने अपने फर्ज को हमेशा पूरी ईमानदारी से निभाया है। अपनी जान पर खेलकर मैंने उसे अरेस्ट किया और उसे सभी नक्सलाइट्स की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने की भी कोशिश की। लेकिन जवानों का कहना है कि आपके वहाँ से निकलने के बाद ही नक्सली हमला हुआ, क्यों ना इसमें आपकी संलिप्तता मानी जाए? मैं ये बात नहीं मानती सर, ये सिर्फ एक संयोग मात्र है। उस नक्सली हमले में 17 जवान मारे गए, तो क्यों ना इसकी जिम्मेदारी आप पर डाली जाए और उसकी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाए। सर जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, मैंने इसे चैलेंज समझकर ही इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया था और मैंने अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाया है। इसीलिए हमारे राज्य में 70% नक्सलाइट्स को मैं अब तक खत्म कर चुकी हूँ, और वो क्या है उसे भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। मैं सिर्फ अपना फर्ज और अपना कर्म जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना सर। ये कमेटी आपको एक महीने का समय देती है कि नक्सली कमांडर चंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर अपनी निष्ठा साबित करे, वरना आप पर जांच आयोग बिठाई जाएगी। सर सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है चंद्र? मैं ना तो कभी पुलिस का आदमी था और ना मैं उनके लिए काम करता हूं। अगर मैं पुलिस के लिए काम कर रहा होता तो मैं नक्सलाइट्स की बेहतरी के लिए कभी कुछ नहीं करता और ना ही संगठन को इतना मजबूत बनाता। ए, तू झूठ बोल रहा है चंदर, अपनी गलती को कबूल कर। नैना, मैंने कोई गलती नहीं की है और ना मैं कोई गलती आगे करूंगा। अगर कमेटी ये समझती है कि मैं बेगुनाह हूं या गुनहगार, तो वो जो सजा देगी मुझे मंजूर है। सेंट्रल कमेटी का फैसला है कि चंदर को सजाए मौत सुनाई जाती है। ठहरो, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई निर्दोष है, मुझे विश्वास है। इसके बावजूद भी मैं सेंट्रल कमेटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया के संगठन में अगर जरा सी भी निष्ठा है तो उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक मौका जरूर दिया जाए। नहीं, फैसला हो चुका है, संगठन के साथ गद्दारी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते, इससे तो मरना ही होगा। चुप रहो नैना, तो फिर सरकार में और हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? ये बहस करने का वक्त नहीं है छुटकी, ये गद्दार है और इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। चुप। खबरदार, जो मेरे भैया के बारे में एक शब्द भी कहा, अगर मेरे भैया को कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छुटकी, तुम अपनी निष्ठा पे आज मत आने दो। तुम एक कॉमरेड हो और तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नाता मायने नहीं रखता। जब तुम्हारे बदन पे वर्दी है तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक कॉमरेड हो, मेरी बहन नहीं। इसलिए मेरी बहना, तुम कोई गलती मत करो। भैया, भैया, फिर नेक्स्ट लाइट में और दुग्ध यादव में क्या अंतर रह जाएगा? वहाँ भी शोषण है और यहाँ भी शोषण है, फिर ये लोग किस न्याय की बात करते हैं? छुटकी, हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है कि चंदर की सजाए मौत को फिलहाल स्थगित करते हैं, लेकिन एक शर्त पर, चंदर को एक महीने के अंदर अंदर संगठन के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी होगी। अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो फिर एक महीने बाद उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। पापा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं।
बेटी ऐसी क्या समझने की चीज है। हाँ, तुम एक काम कर सकती हो। तुम्हारे पहले एक इंस्पेक्टर था श्रीवास्तव, तुम उससे मिलो। कहाँ मिलेगा वो? मुझे नहीं पता बेटी, ऐसे लोगों का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। पड़ा होगा कहीं शराब में डूबा हुआ, लेकिन ढूंढो उसे, ढूंढो, शायद वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। आई थिंक सो। हाय सर, मेरा नाम जानकी चौधरी है और मैं इस मिशन की चीफ हूँ। मुझे मालूम है कि मुझसे पहले आप इस मिशन के चीफ थे, लेकिन 100 जवानों के मारे जाने की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया था। आई नो वेरी वेल सर कि ये किसी पॉलिटिशियन की साजिश रही होगी, बट मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज। ओ बैठिए। थैंक यू सर। तुम क्या समझती हो इस मिशन को कामयाब करने के बाद तुम्हें गोल्ड मेडल मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं कि नक्सलाइट खत्म हो। ये कमबख्त कभी भी वर्बली ऑर्डर दे देते हैं एक्शन, और हम एक्शन पर आते हैं ये मुकर जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। रिमोट कंट्रोल तो किसी और के पास है। बट सर, इन सबको रोकने का उपाय क्या है? उपाय है उसमें गवर्नमेंट को देश हित में दृढ़ निश्चय होकर कार्य करना पड़ेगा, लेकिन करे कौन और कैसे? क्योंकि ये जो हथियार के सौदागर है ना, ये हर वक्त हर सौदे में जगह और चेहरे बदलते हैं, और जो चेहरे एक्सपोज हो जाते हैं उसे मार दिया जाता है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये लो नक्सलियों की कुछ इंफॉर्मेशन है। और हाँ yes, एक बात याद रखना, ना हम मिले थे और ना कभी मिलेंगे। क्या सचमुच तुम उस पुलिसियन से प्यार करते हो? जब मैं कॉलेज में था तब मैं उससे प्यार करता था। और अब प्यार करते हो? वो मेरा अतीत था, अब मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? प्यार किसको नहीं चाहिए, पर मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ था तेरे साथ? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ था मेरे साथ। 12-13 साल की थी, माँ नहीं थी, बापू था। बहुत अच्छी जिंदगी थी मेरी। बचपन में सहेलियों के साथ घूमना, जंगल से लकड़ियां लाना, नदी से पानी लाना, बापू के लिए खाना पकाना, बहुत अच्छा था सब कुछ। फिर एक दिन कुछ पुलिस वालों की नजर मुझ पर पड़ गई। जंगल से लकड़ियां काटने गई थी, वहीं पकड़ लिया सालों ने और दिया हमको। मैं चिल्लाती रही पर उनको मुझ पर कोई तरस नहीं आया। उस दिन पता चला कहने का मतलब क्या होता है। और एक दिन वो साले तीनों पुलिस वाले फिर से आ धमके मेरे घर पर, और मेरे बापू के सामने मुझे की बातें करने लगे। बापू से रहा नहीं गया, बापू ने कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी उसके सर पर। साले दूसरे पुलिस वालों ने मेरे बापू को गोली मार दी। मैं सन्न होकर सब देखती रही। मेरे बापू की लाश के सामने मैं भी लाश बनती जा रही थी। फिर तीसरे दिन उन सालों के पिस्तौल मेरे हाथ आ गई। मैंने सालों को गोली मार दी और भाग गई वहां से।
बिना ये सोचे कि मेरे बापू की लाश के साथ क्या होगा। क्या कहते हो चंदर? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। हम अर्जुन पर भरोसा कर सकते हैं। अर्जुन के बताए हुए प्लान के मुताबिक हम दुग्धा यादव तक पहुंच सकते हैं और उसका खात्मा भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है। हाँ दीपांकर जी, हम सावधानी तो रखेंगे, लेकिन अर्जुन जी का प्लान मुझे फुल प्रूफ लग रहा है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा दुग्धा यादव को मारने। नहीं चंदर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। पहले भी हम अमरजीत और हमारे कई मूल्यवान साथियों को खो चुके हैं। तुम सब संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यह हम सब की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब तुम्हारा साथ देंगे। नैना, तुम सिद्ध मत करो, मुझे अकेले ही मेरी बेगुनाही साबित करनी होगी। चंदर, तुम अकेले नहीं हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो कि तुम अकेले हो। तुम ना कभी अकेले थे और ना कभी अकेले रहोगे, समझे? नैना, सिद्ध मत करो, तुम समझने की कोशिश करो। इस बार बहुत खतरे हैं। अब तुम इस संगठन में शामिल हो चुके हो। तुम्हारी लड़ाई हम सब की लड़ाई है, इसे हम सब मिलके लड़ेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अमरपुर अभी 200 किलोमीटर दूर है। शौक है ना, बहुत शौक है भाषण देने का। इस लाल बत्ती और एसी गाड़ी में अब भाग भाग के भाषण दे। छाप, अरे ये जिसको पढ़ना लिखना खुद नहीं आता है वो क्या लिखेगा तुम्हारी तकदीर? ये इतने बड़े प्रदेश का गृह मंत्री जिसने रात दिन सिर्फ और सिर्फ इस देश के कानून तोड़े हैं और इसके जैसे अंगूठा छाप लोग मंत्री बन जाते हैं। अरे ठेंगा छाप तो ऐसे ही कानून बनाएगा ना। अरे गधे के पीठ पे कानून की किताबें लाद देने से कोई वकील नहीं बन जाता। मुझे तमीज सिखाई थी इसने, आज मैं इसकी सारी तमीज इसके अंदर घुसेड़ देता हूँ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, सुन।
चंदर, रिहाई का वक्त आ गया है। हंसी का झूला झूल गया, हंसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह, हंसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह। दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह। हंसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह। राजगुरु से शिक्षा लो दुनिया के नव युवकों, राजगुरु से शिक्षा लो दुनिया के नव युवकों। सुखदेव से पूछो कहाँ मस्ताना भगत सिंह, सुखदेव से पूछो कहाँ मस्ताना भगत सिंह। रोशन कहाँ शफा कहाँ लहरी कहाँ बिस्मिल, रोशन कहा लहरी कहा बिस्मिल। आजाद से सच्चा था, आजाद से सच्चा था दोस्ताना भगत सिंह, आजाद से सच्चा था दोस्ताना भगत सिंह, आजाद से सच्चा था दोस्ताना भगत सिंह। दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह। हंसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह, हंसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह, हंसी का झूला झूल गया मस्ताना भगत सिंह। दुनिया को सबक दे गया मर्दाना भगत सिंह, दुनिया को सबक दे गया।